हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कैसे एक बाइक का इंजन ऑयल चेंज किया जा सकता है। मेरा हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर में मैं आज इंजन ऑयल को चेंज करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इसमें हम लोग दिखाएंगे कुछ इंजन ऑयल भरने का गुड प्रैक्टिसेस। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम ये कैस्ट्रॉल एक्टिव का इंजन ऑयल भरने वाले हैं इस हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर बाइक में। बाइक में हर 3 महीने या 3000 किलोमीटर पर इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए, तो इसलिए ये एक काम है जो हमें रेगुलरली करना पड़ता है। कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है और ये बहुत रेडिली अवेलेबल भी है। ये इंजन ऑयल का प्राइस है 410 रुपीज़, जो आपको 350 के आसपास मार्केट में मिल जाएगा। कृपया आपके बाइक का रिक्वायरमेंट हिसाब से उसकी ग्रेड देख के इंजन ऑयल खरीदें। इंजन के ऊपर जो ये ब्लैक है, ये है मेरा इंजन ऑयल का कैप। हर इंजन में ऐसा एक कैप होता है जिसको खोल के इंजन ऑयल डालना पड़ता है, और इंजन के नीचे होता है ऐसा एक स्क्रू जिसको खोल के पुराने ऑयल को ड्रेन आउट करना पड़ता है। इंजन ऑयल भरने के समय एक गुड प्रैक्टिस का हमेशा ध्यान रखें, बाइक के इंजन को स्टार्ट करके कम से कम 1 से 2 मिनट तक आइडल करें। इससे क्या होगा, आपका इंजन गर्म रहेगा और इंजन ऑयल जो है वो अंदर चिपका नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंजन ऑयल बाहर निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने से ये चांसेस रहता है कि स्क्रू खोलने के वक्त आपके हाथ में गर्म तेल गिर जाए, तो थोड़ा देर तक इंजन को स्टार्ट रखिए इंजन ऑयल चेंज करने से पहले। तो हम लोग पुराने ऑयल को होल्ड करने के लिए तैयार हो गए हैं। एक खाली डिब्बा से पुराने ऑयल को आप लोग होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो वो नीचे पूरा फैल जाएगा, गिर जाएगा। इंजन का नीचे जो स्क्रू होता है वो बाइक के साथ आए ये जो राउंड रेंच होता है 19 नंबर का, इससे खुल जाएगा। याद रखिए, वो स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है खोलने के लिए। तो चलिए, मेरा इंजन गर्म हो गया है, अब इंजन को बंद करते हैं। अब मैं इंजन ऑयल का जो कैप है उसको भी खोल देता हूँ। इससे क्या होगा, एयर प्रेशर जो है वो सही रहेगा और जो पुराना तेल है वो पूरा नीचे से निकल जाएगा। अब हमने नीचे का जो स्क्रू है उसको खोल दिया है एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। ये देखिए, काला पुराना जला हुआ तेल निकल जा रहा है। इसको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि ये पूरा तेल बाहर निकल जाए। इंजन ऑयल काफ़ी गाढ़ा होता है, इसलिए इसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाइक को ऐसे थोड़ा साइड वाइज हिला लीजिए, इससे क्या होगा, जो तेल इंजन के साइड में रहेगा वो भी बीच में आके उस होल से निकल जाएगा। ध्यान रखिए, इससे बाइक का बैलेंस भी बिगड़ सकता है, तो सावधानी से ये काम कीजिए। ये देखिए, बाइक को साइडवाइज हिलाने के लिए जो बाकी वाला तेल था वो भी अब निकल जा रहा है। जितना पुराना तेल निकलेगा उतना रिप्लेसमेंट प्रोसेस अच्छा होगा। ये अब हम लोग का ऑयल ड्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। मैं दिखाता हूँ आपको कितना तेल बाहर आया है। ये देखिए, इंजन में 1 लीटर के आसपास तेल रहता है, वो जल के कितना कम हो गया है। अब जो है इंजन का नीचे का तेल निकालने का जो स्क्रू है उसको फिर से ठीक से लगा दे, क्योंकि अभी हम लोग नया तेल डालने वाले हैं। अभी उसको क्लॉकवाइज लगाना है, याद रखिए। तो हम लोग का इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट के लिए पुराना जो जला हुआ तेल है वो निकल गया है। अब ये नया कैस्ट्रॉल का जो तेल है ये हमें इसमें डालना है। सही से और आसानी से तेल डालने के लिए एक फनल का यूज़ कीजिए। मेरे पास अभी फनल नहीं है, तो मैंने एक बोतल काट के
एक फनल बना लिया है अपने लिए। इससे क्या होगा, इंजन ऑयल बाहर गिरने का चांस नहीं रहेगा। अब धीरे धीरे इंजन ऑयल फनल के थ्रू इंजन में डालिए। देखिए, जो तेल हमने निकाला था वो बिल्कुल काला हो गया था, और अभी जो तेल हम लोग डाल रहे हैं ये गोल्डन रेड कलर का है। मतलब ये देख के समझ में आता है कि इंजन में इंजन ऑयल कितना जल जाता है। इंजन का टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर काम करने के वक्त 100 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो ये इंजन ऑयल जो है उतने टेम्परेचर में भी इंजन में घूमते रहता है और इंजन को ल्यूब्रिकेट करता है, जिससे कि वो जल जाता है। तो इसलिए रेगुलर इंटरवल पे इंजन ऑयल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, इससे इंजन का लाइफ बढ़ता है। पूरा जो कैन है, पूरा कैन का तेल ही इसमें डाल देना है, कुछ बाकी नहीं रखना है। कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल दो साइज में आता है, एक 1 लीटर का बोतल, एक 900 मिलीलीटर का बोतल। अगर आप चाहे तो छोटा बोतल खरीद कर रख के कुछ दिन बाद थोड़ा थोड़ा करके इंजन ऑयल टॉपअप भी कर सकते हैं। उससे भी आपका इंजन का लाइफ बढ़ेगा। अभी जो है इंजन ऑयल का आखिरी बूंद तक हमने इंजन में डाल दिया है, तो इंजन ऑयल भरना हो गया कंप्लीट। अब इसका कैप हम लोग ठीक से टाइट करके लगा देते हैं ऊपर फिर से। तो दोस्तों, ये था बाइक में इंजन ऑयल भरने का सही तरीका और साथ में गुड प्रैक्टिसेस, जिससे आप इंजन ऑयल बाइक में ठीक से भर सके और बाइक का इंजन आपका सही रहे। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिए। अभी आप अपने बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं।